आपल्यासोबत आय टी सेक्टरमधील तज्ज्ञ हरीश टिबरेवाला सर आहेत. ज्या प्रकारे बजेट मांडलं गेलं, ज्या अपेक्षा होत्या त्या अपेक्षा पूर्ण झाल्यात आय टी सेक्टरमध्ये खास करून. मला असं वाटतं की फारच छान बजेट आहे आय टी सेक्टर के दृष्टिकोण से. और आई टी सेक्टर के लिए जो कई चीज़ें की है, डिजिटल करेंसी का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, डेटा सेंटर का अनाउंसमेंट किया है, ई पासपोर्ट का अनाउंसमेंट किया है, ये जो एक टास्क फोर्स बनाने वाले हैं प्रमोशन ऑफ कंटेंट के लिए, ये सभी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं. एनिमेशन, विजुअल्स, कॉमिक्स एंड गेमिंग साठी एक टास्क फोर्स बनवले जाणार, सगळ्या स्टेक होल्डर्स सोबत चर्चा केली जाणार, रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून किती महत्त्वाचं आहे आणि भविष्यात या सगळ्या गोष्टींना कसं बघता. मेरे हिसाब से रोजगार के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जिस प्रकार से 20 साल पहले आईटी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई, इन्फोसिस और टीसीएस और इतना एक्सपोर्ट करने लग गए, ये सेम अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री में है. एनिमेशन में, विजुअल में, कंटेंट क्रिएशन में अपॉर्चुनिटी वही है. तो यदि सरकार इसका टास्क फोर्स बना के इसको पुश करने वाली है, ये बहुत ही अच्छा है. और इस जैसे आईटी इंडस्ट्री में इतने लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, ये इंडस्ट्री भी इतना सारा रोजगार दे सकती है. ये टैलेंट इंडिया में है, अपने टैलेंट को साथ में लाके इसका यदि हम निर्माण करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. इसी सेक्टर में स्टार्टअप वाढतील जर अशा प्रकारे. बिल्कुल. आप स्टार्टअप देखोगे, इंडिविजुअल्स देखोगे, बड़ी कंपनीज देखेंगे, सबका एक गठन होने वाला है. डिजिटल करन्सी आणली जाणार आहे, क्रिप्टो मध्ये 30% कर लावला जाणार, या सगळ्याला कसं बघ. डिजिटल करेंसी से लगता है भी सरकार काफ़ी आगे की सोच रही है. जो करेंसी होती है वो आप और मैं तो नहीं छाप सकते हैं, सरकार को ही छापनी चाहिए. जो आज क्रिप्टो करेंसी है वो इंडिविजुअल्स चला रहे हैं, अब ये सरकार चालू करेगी चलाना. यदि सरकार करेगी तो एक व्यवस्था आ जाएगी, एक अच्छा सिस्टम आ जाएगा. दूसरा, सरकार ने टैक्स लगाया है NFT के ऊपर. आज मैं आपको यदि लैंड बेचता हूँ तो टैक्स लगता है, अभी आपको NFT भेजूँ टैक्स तो लगना ही चाहिए. तो मेरे ख्याल से वो टैक्स लगाना भी सरकार ने सही काम किया. रोजगार किती टक्के वाढेल असं वाटतं तुम्हाला या सगळ्या बजेटमधनं ज्या अपेक्षा होत्या त्या दृष्टिकोनात. मेरे ख्याल से रोजगार के दो रीजन है. एक तो जो भी सरकार कर रही है फ्रॉम अ डिजिटल एंगल, उससे बढ़ेगा. दूसरा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है 35%, उससे काफ़ी पुश मिलना चाहिए. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स, तो उससे मेरे ख्याल से बहुत पुश मिलना चाहिए. शेवटचा प्रश्न, आईटी सेक्टरचा विचार केला तर किती टक्के अपेक्षा तुमच्या पूर्ण झाल्या त्या सगळ्या बजेट पाहून. आमची अपेक्षा पूर्ण, सरकार ने ज़्यादा दिया हम जो सोचते थे. हम नहीं सोचा कि डिजिटल करेंसी की बात होने वाली है, हम नहीं सोचा कि टास्क फोर्स बनने वाला है, हम नहीं सोचे कि ई पासपोर्ट होने वाला है, हम नहीं सोचा कि सरकार वो पेमेंट ऑनलाइन करेगी. नॉर्मली सरकार डिजिटल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, इस बार हर एक चीज़ में ही हमको डिजिटल दिख रहा है. आज फार्मिंग सेक्टर है, सरकार बोलती है हम लोग ड्रोन्स को प्रमोट करेंगे, वो भी सेक्टर का अच्छा है. तो हर एक चीज़ में हमको तो डिजिटल दिखाई दे रहा है और टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही है. आईटी सेक्टरच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण आणि विकासाच्या दृष्टिकोनातून खास करून आईटी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण असं बजेट होतं. बिल्कुल ॲब्सोल्युटली महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे आयटी क्षेत्राबाबत बोलायचं झालं तर या बजेटमध्ये खूप काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. जसं त्यांनी सांगितलं की AVGCचं टास्क फोर्स असेल, रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण असणार आहे. शिवाय आयटी क्षेत्रामध्ये रोजगार वाढीच्या दृष्टिकोनातून हे बजेट महत्त्वाचं असल्याचं सुद्धा तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कॅमेरामन अजित कदमसह मी वेदांत नाईक, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.